टाइमिंग बढ़ाने के 7 टिप्स, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो हमारी स्टडीज है उसके मुताबिक अभी तक ऐसा पाया गया है कि जितने भी फोन हमें सेक्स प्रॉब्लम के लिए आते हैं, जितने भी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, उसमें 70 से 80% लोग आते हैं पीई के लिए, मतलब प्री मैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन होना, या टाइमिंग कम है करके। तो टाइमिंग कैसे कम है, मतलब वो कैसे कम जो है वो उसको कैसे बढ़ाने का है, या परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाने का है, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। उसमें क्या है कि एक्सरसाइज, एक कीगल्स एक्सरसाइज नाम की एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज आप करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वो एक्सरसाइज जो पेल्विक मसल से उसको स्ट्रांग करती है, वो एक्सरसाइज में दिन में कम से कम 30 बार लिंग और लैट्रिन की जगह अंदर खींचते हैं, लिंग अंदर खींचना, लैट्रिन की जगह अंदर खींचना, 10 तक गिनती का काउंट करना, गिनती करना 10 तक, 1 से 10 अंक की गिनती, बाद में छोड़ देने का, फिर काउंट करना, पकड़ के रखना, फिर गिनती करना, फिर छोड़ देना, फिर काउंट करना, गिनती करना, छोड़ देने का, ऐसा 10 बार सवेरे, 10 बार दोपहर को, 10 बार शाम को करो। कीगल्स एक्सरसाइज, उसके बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नंबर 2, स्क्वीज टेक्निक। इसमें होता है स्टार्ट स्टॉप स्क्वीज टेक्निक जो है उसमें चालू करो, फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जब है वहाँ रुक जाओ, जब ऐसा लग जाएगा ये गिर जाएगा अभी, इसके बाद में वहाँ रुक जाओ, बाहर निकालो, उसको दबाओ, स्क्वीज करो, दबोच लो, पूरा ढीला होने के बाद में फिर खेलो, फिर टाइट होने दो, फिर उसका अंदर प्रवेश करो। मतलब ये है स्क्वीज टेक्निक, स्टार्ट स्टॉप स्क्वीज टेक्निक है कि जिसके वजह से ये लंबा जा सकता है। करीब करीब 10 बार ऐसा करना है, फिर 11वीं बार या 12वीं बार फिर गिरा देने का अंदर, तो इसको स्क्वीज टेक्निक बोलते हैं। तीसरा है लेट पेनिट्रेशन, मतलब आराम से अंदर डालने का है, जल्दी डालने की कोशिश नहीं करना है। जब बहुत ज़्यादा फोर प्ले करो, बहुत ज़्यादा खेलो, और वो यदि आप करते हैं तो उसमें फिर क्या होगा कि औरत जो है वो बहुत ज़्यादा क्लाइमैक्स पे आएंगी, जल्दी आएंगी, और फिर उसमें वो सेटिस्फाई होंगे और आपको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इसमें जल्दी पेनिट्रेशन करने का नहीं, जल्दी अंदर डालने की कोशिश करने का नहीं है। फिर है अटेंशन डाइवर्ट करना, मतलब जब अभी गिरने का समय आता है तो उस समय सेक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व न होते हुए उस समय तुरंत बाहर निकालना, और बाहर निकाल के अपने दिमाग में ऐसे विचार लाना, टेंशन वाले विचार, कोई प्रेशर है कहीं, कहीं जाने का है, किसको पैसे देने के हैं कहीं, ऐसा कुछ भी ऐसा टेंशन प्रेशर वाला विचार ला, अटेंशन डाइवर्ट करो, तो यहाँ ढीला हो जाएगा और जल्दी गिरेगा नहीं। फिर नेक्स्ट है फीमेल सुपीरियर पोजिशन। फीमेल सुपीरियर पोजिशन मतलब औरत ने ऊपर, आदमी नीचे। तो फीमेल सुपीरियर पोजिशन में क्या होता है कि औरत को जैसा चाहिए वैसा वो मूव करती है, जैसा चाहिए वैसा वो एक्साइटमेंट खुद को कर लेती है, और फिर उसमें संभोग ज़्यादा समय तक चलने की संभावना बनती है, क्योंकि वो हिलाती है, फीमेल सुपीरियर है, ऊपर से है तो वो हिलाती है, और उससे फिर फ्रिक्शन कम होता है, और फ्रिक्शन भी कम होता है तो जल्दी गिरने के चांसेस कम बनते हैं। 6वां जो पॉइंट है वो है मास्टरबेशन। वो कब वापरते हैं कि जब बहुत दिनों के बाद में स्त्री को मिल रहे हैं, गर्लफ्रेंड है उसको बहुत दिन के बाद में मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा गैप पड़ा हुआ है, या ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है कि अभी आज तो नहीं किया ना तो टूट जाएगी शादी, निकल जाएगा, मतलब इतना गहरा है, तो उस समय हम बोलते हैं कि पहले मास्टरबेशन करो, मास्टरबेशन करके जोश पहले जो है वो निकाल डालो, और एक बार मास्टरबेशन किया मतलब हस्तमैथुन किया, हाथ से निकाल दिया, तो उसके बाद में फिर रेगुलर सेक्स करने का है, 2 घंटे 3 घंटे के बाद में, जैसे ही आपको कठोरता आएंगी। फिर नेक्स्ट जो आइटम है वो है दवाइयाँ। दवाइयाँ जो है वो SSRI नाम की दवाई है, सिल्डेनाफिल, टैडालाफिल, बेंजोडाइजेपिन्स, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, ऐसी अलग अलग दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ आप लेते हैं तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है, जल्दी गिरता नहीं है। कुछ कुछ लोग तुमको बोलते हैं कि आपने दवाई दिया और अभी गिर ही नहीं रहा है, दोनों थक जाते हैं और गिरना ही बंद हो गया, इतना असर हो जाता है, लोग आधा घंटा 1-1 घंटा करते रहते हैं मगर गिरता नहीं है, और अभी उससे परेशान होते हैं कि अभी गिर नहीं रहा है, अभी परेशान है, तो ये दवाई का इस्तेमाल करना है। फिर नेक्स्ट आइटम आता है कि लोकल एनेस्थेटिक, लोकल जेली लगाना, जो लोकल लगाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे नम होता है, बधिर हो जाता है पेनिस, और उसमें फिर पेनिट्रेशन के लिए भी अच्छा हो जाता है, पेनिट्रेशन में फ्रिक्शन कम होता है और उससे जल्दी गिरता नहीं है। तो हमने जितने देखे पॉइंट्स मैं फिर से दोहराता हूँ, 1, कीगल्स एक्सरसाइज, 2, स्क्वीज टेक्निक है, 3, लेट पेनिट्रेशन है, 4, अटेंशन डाइवर्ट करना है, 5,
फीमेल सुपीरियर पोजीशन है। नंबर 6 मास्टरबेशन करके फिर सेक्स करने का है। नंबर 7 दवाइयाँ देके करने का है, दवाइयाँ लेकर। नंबर 8 लोकल एनेस्थेटिक लगाने का है। और या टुगेदर ये सब जो टेक्निक्स है अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ जाएगा, आपका सेक्स लाइफ अच्छा होगा, आप सेक्स लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकोगे। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।